हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो टुडे विल स्टडी अबाउट बेवरेजेस. व्हाट आर बेवरेजेस? दे हैव लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू, बट दीज आर वेरी स्टिम्युलेटिंग एंड दिस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड ऑल्सो. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एज यू कैन सी, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. Now we'll study about alcoholic beverages. What are alcoholic beverages? These contain alcohol. These act as depressants, lowering the activity of brain. Depressants की तरह act करते हैं, brain की activity को कम कर देते हैं. और ये भी further दो types के होते हैं, fermented and distilled. Fermented sugar की fermentation से बनते हैं, जैसे कि beer या cider. Beer is formed by the fermentation of barley starch and cider by the fermentation of apple juice. Distilled ones, these are formed by distillation of fermented liquids, and these can be whiskey, brandy, rum. These all are distilled ones. So this was about alcoholic beverages. Now non-alcoholic beverages, these do not contain alcohol and these are refreshing but stimulating properties. रिफ्रेशिंग होते हैं नेचर में, लेकिन इनकी भी प्रॉपर्टीज स्टिम्युलेटिंग होती हैं. इनके अंदर मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है कैफीन. कैफीन इज़ द मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. दिस कैफीन प्रमोट्स वेकफुलनेस, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैफीन. नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, कोको, दीज आर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. नाउ विल टॉक अबाउट टी, विल टॉक अबाउट टी एंड की कॉफ़ी इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक टी. टी बोटानिकल नेम होता है इसका कैमेलिया साइनेंसिस और थिया साइनेंसिस. और कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं, चाय. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? थिएसी फैमिली से. वेयर डज इट ओरिजिनेट? इट ओरिजिनेटेड इन चाइना. What about its botanical description? Means how that plant seems. This plant has a height of about 3 to 4 feet. 3-4 feet लंबा ये plant होता है. इसके जो leaves होते हैं वो elliptical होते हैं, serrated margins होते हैं उनका. Fragrance और aroma के लिए इन plants के leaves में oil glands present होते हैं, और leaves भी alternately arranged होते हैं. Flowers जो हैं वो leaves की axil में पाए जाते हैं, और generally 2 या 4 flowers क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. इनका कलर कैसा होता है? वाइटिश या पिंकिश कलर होता है. फ्लावर्स जो हैं वो मैच्योरिटी पर कैप्सूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इन कैप्सूल्स को हम फ्रूट बोलते हैं. और ये कैप्सूल्स जो हैं इनके अंदर जनरली 1 to 6 lobes प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट अस सी दिस प्लांट. यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. लीव्स आर अल्टरनेटली अरेंज्ड, लाइक इफ यू कैन सी वन लीफ इज हेयर देन हेयर. So leaves are alternately arranged. If we'll talk about the margin, you can see this margin. This is serrate type of margin. इस तरह से इसका margin है. इस तरह के margin को हम serrate margin बोलते हैं. So serrate margin होता है tea की leaves में. इसके बाद अगर हम इनके fruits की बात करें, fruits जो हैं वो capsules की form में हैं. ये लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर. अगर हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट लोब, दिस इज सेकंड लोब, एंड दिस इज थर्ड लोब. इस तरह से फ्रूट के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लावर्स, एज वी कैन सी, लीव्स की एक्सिल में प्रेजेंट है फ्लावर्स. लीव्स की एक्सिल में प्रेजेंट है फ्लावर्स. नाउ इफ विल टॉक अबाउट कल्टिवेशन. सो जो टी के सीड्स होते हैं वो साल में सिर्फ एक बार ही मैच्योर होते हैं. मतलब हमें साल में एक बार ही जो लीव्स हैं टी प्लांट की वो मिलती हैं. और सोइल को पहले अच्छे से मैन्योर और वीडिंग करनी पड़ती है बिफोर प्लांटिंग द सीड्स. फील्ड के अंदर दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रूनिंग और प्लकिंग, जिनके बाद ही अच्छी ग्रोथ हमें मिल सकती है टी प्लांट. नाउ इट्स प्रिपरेशन. हमें पता है कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, ब्रिक टी, ये 4 तरह की टी जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं. ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी एंड ब्रिक टी. नाउ विल टेक अ लुक अबाउट इट्स प्रिपरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ब्लैक टी. द फर्स्ट प्रोसेस इज विदरिंग. विदरिंग में क्या होता है कि जो टी के लीव्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अच्छे वेंटिलेशन वाले
शेल्फ्स पर उनको रखा जाता है 24 आवर्स के लिए, यानी एक दिन के लिए, और ऐसे फ्लोर्स पर, शेल्फ्स पर उसे रखा जाता है जो कि सन से एक्सपोज्ड हो, यानी कि वहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा देखा जाता है। वाटर, इससे क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और फ्लैसिड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विदरिंग। नाउ विदरिंग के बाद होता है रोलिंग। विदर्ड लीव्स को रोलिंग मशीन्स के में रोल किया जाता है, तो कि ताकि जो लीफ के सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं। लीफ के सेल्स ब्रेक हो जाएंगे तो इससे एक मिक्सचर सा बन जाएगा, एंजाइम्स वगैरह जो जूस है लीव्स के वो रिलीज हो जाएंगे, और उस पूरे मास को फिर मिलाया जाएगा ताकि फर्मेंटेशन हो सके इसके अंदर। इस प्रोसेस से क्या है कि लीव्स के अंदर एक टेस्ट और एक ब्रिस्कनेस डेवलप हो जाती है टी लीव्स के अंदर। इसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन के में क्या होता है कि जो वो लीव्स होती हैं, जो लीव्स का मास ही बचता है रोलिंग के बाद, तो जो उसका लीव्स का मास होता है उसे फिर फर्मेंटेशन किया जाता है उसमें, रूम्स के अंदर, उसे ठंडी जगह पर रूम्स के अंदर उसे स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि फर्मेंटेशन हो सके। 2 या 6 घंटे के लिए ये प्रोसेस चलता है, 2 से 6 आवर्स के लिए। इससे क्या होता है कि जो लीव्स का कलर होता है ना, वो ग्रीन से रेडिश कॉपरी में चेंज हो जाता है, कलर ऑफ द लीव्स। फर्मेंटेशन के बाद उन्हें ड्राई किया जाता है, ड्राई या फिर फायरिंग कुछ भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि उन्हें एयर चैम्बर्स में रखा जाता है, उनको हीट से एक्सपोज किया जाता है, जनरली 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, या फिर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उसे कुछ सेकंड्स के लिए सन से एक्सपोज किया जाता है। अगर एयर चैम्बर्स में रख रहे हैं तो ये प्रोसेस 30 to 40 मिनट्स के लिए किया जाता है। इससे होता क्या है कि जो प्लांट्स के अंदर बचा हुआ मॉइस्चर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, और जो लीव्स का मॉइस्चर होता है वो 3-4% तक डाउन कर जाता है, मतलब अब उनके अंदर सिर्फ 3-4% मॉइस्चर ही बचा है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर ड्राइंग इज सॉर्टिंग। उसके बाद जो लीव्स हमें मिलती हैं उन्हें सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं, और उनके क्वालिटी, शेप, स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रेड्स देते हैं, उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग, जो डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ लीव्स आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अलग अलग क्वालिटीज़ को, जो कि एक ही टी ब्रांड की होती हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ को ब्लेंड किया जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बन सके। सो दिस वॉज द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी। ग्रीन टी, उलोंग टी, ब्रिक टी, सबका प्रोसीजर सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम ग्रीन टी में देखें, ग्रीन टी में 3 ही प्रोसेसेस होते हैं, हीटिंग, रोलिंग और ड्राइंग। हीटिंग, हीट कर दिया, उसके बाद जो लीव्स हैं उनको रोलिंग मशीन पर से पास किया गया, और फिर उसे फिर से ड्राई किया गया, फिर फायरिंग से उसको एक्सपोज किया गया, तो उससे क्या होता है कि ग्रीन लीव्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ग्रीन टी की फॉर्मेशन हो जाती है। हीटिंग जो है वो कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाती है, तो जो कलर होता है लीव्स का वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। उलोंग टी की अगर बात करें तो ये अमेरिकन्स की फेवरेट टी है, और प्रोसीजर इसका सेम ही है, ब्लैक टी जैसा है। बस फ़र्क इतना होता है कि फर्मेंटेशन के लिए हमने काफ़ी देर तक रखा था, 2 से 6 आवर्स के लिए ब्लैक टी को, लेकिन उलोंग टी को इतनी ज़्यादा फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर ब्रिक टी की बात करें तो ब्रिक टी के जो रिमेन्स होते हैं ब्लैक टी से बचे हुए, जैसे कि स्टोक, डस्ट, ये सब जो उसके बचे हुए पार्ट्स होते हैं ना, उन सबको स्टीम किया जाता है। स्टीम करने के बाद उसे राइस के पेस्ट के साथ मिक्स करके माउल्ड्स में डाला जाता है और ब्रिक्स की शेप दी जाती है। इससे हमें क्या मिलती है? ब्रिक टी। नाम से ही पता लग रहा है, ब्रिक टी, ब्रिक जैसी टी। सो दिस वर द टाइप्स ऑफ टी फाउंड इन द वर्ल्ड, कॉमनली फाउंड इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ टी? सबसे पहले हम देख लें केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर। टी के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ नहीं होता, होता है, लेकिन ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैफीन, देन वोलेटाइल ऑयल, एंड देन टैनिन। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ टी? क्विकली डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम बिकम्स बिटर इन टेस्ट। पानी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक इसे छोड़ दिया जाए तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब होने लगता है, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट आने लगता है, और इसकी जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। टी इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन द बॉडी,
It stimulates clear thinking and mental alertness. It also lowers cholesterol level. It protects us from several diseases. It can help relieve insect bite pain. So overall, we can say that tea is very useful to us. But what if it is taken in excessive amount? Excessive tea can harm the digestive system. It can inhibit saliva that can cause further diseases. It can also cause indigestion. It can cause irritability. It can cause overexcitability of central nervous system and more others. So excessive tea is harmful. Now we'll study about coffee plant. You can see a coffee plant here. If you will see at its leaves, these are oppositely arranged. Ek hi jagah se do leaves jo hain wo nikal rahi hain. So iska arrangement kaisa hai? Oppositely arranged hai. Aur ye bhi jo iske flowers aur fruits aap keh sakte hain, wo axil par present hai leaves ki. Leaves ki axil par present hai. Ye coffee plant ka ek part hai. वो बोटैनिकल नेम होता है इसका कोफिया अरेबिका. वर्नलाइजेशन मतलब इसे कॉमनली क्या कहते हैं हम, कॉफ़ी कहते हैं. टू विच फैमिली इट बिलोंग्स, इट बिलोंग्स टू रूबिएसी. ओरिजिनेटेड इन काफा, काफा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, काफा में कॉफ़ी ओरिजिनेट हुई थी और वहीं से इसका नाम पड़ा था फिर. नाउ इफ विल टॉक अबाउट बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, कॉफ़ी का जो प्लांट होता है वो भी टी प्लांट के जितनी ही उसकी हाइट होती है, लगभग 3-4 feet के अराउंड उसकी हाइट होती है. और लीव्स हमने देख लिए अपोजिटली अरेंज्ड हैं, और लीव्स के एक्सिल में हमने क्या देखा कि फ्लावर्स प्रेजेंट है. फ्लावर्स कैसे प्रेजेंट थे? स्टार लाइक फ्लावर्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वाइट कलर फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स. दीज आर स्टार शेप्ड फ्लावर्स. फ्रेग्रेंट खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं. फ्रूट्स, कॉफ़ी के प्लांट पर जो फ्रूट्स आते हैं उन्हें हम चेरीज बोलते हैं, और ये जनरली 1 or 2 seeded होती है, मतलब इसके अंदर 1 या 2 बीज पाए जाते हैं. चेरीज जो हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, चेरीज जो हैं लीव्स के एक्सिल में ग्रो करती हैं. जब ये चेरीज यंग होती हैं यानी कि प्री मेच्योर होती हैं, तो इनका कलर ग्रीन होता है, एंड एज दे मेच्योर द कलर चेंजेस टू रेड. ओके, नाउ दीज आर द बीन्स, सीड्स ऑफ अ कॉफ़ी. चेरी को अगर हम कट करेंगे तो ये उसके सीड्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे, और इन्हें ही हम बीन्स बोलते हैं, कॉफ़ी बीन्स. इन्हीं को क्रश करके कॉफ़ी का मिक्सचर बनता है. वन सीडेड चेरी जो होती है, मतलब ऐसी चेरी जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होता है, उसे हम पी बैरी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है इस तरह के बैरी की. नाउ व्हाट अबाउट इट्स प्रिपरेशन, सो इंडियन कॉफ़ी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 methods, आइदर वेट और वॉश मेथड, और ड्राई और अनवॉश मेथड. वेट एंड वॉश मेथड एंड ड्राई और अनवॉश मेथड. द कॉफ़ी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेट मेथड इज कॉल्ड प्लांटेशन कॉफ़ी और पार्चमेंट कॉफ़ी. ऑन द अदर हैंड, कॉफ़ी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई मेथड इज कॉल्ड चेरी और नेटिव कॉफ़ी. नाउ लेट अस टेक अ लुक अबाउट द वेट मेथड. वेट मेथड एज इज क्लियर बाय द नेम, पानी के अंदर उन्हें रखा जाता है. जो बेरीज होती हैं उनको वाटर के बड़े बड़े टैंक्स के अंदर डाला जाता है, उसके बाद पल्पिंग मशीन से उनके जो स्किन और पल्प है उसको रिमूव किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन, और फिर जो कॉफ़ी बेरीज हमें मिलते हैं उन्हें हम बीन्स कहते हैं, बीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर बीन्स को ग्राइंड किया जाता है और फिर उनको रोस्ट किया जाता है. सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ वेट और वॉश मेथड. नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्राई और अनवॉश मेथड. ड्राई बेरीज आर स्प्रेड ऑन फ्लोर एक्सपोज्ड टू सन, आउटर स्किन पार्चमेंट कवर पल्पी मैटर ड्राई अप टू फॉर्म हस्क लाइक कवरिंग, एंड देन दिस बेरीज पास्ड थ्रू हुलिंग मशीन्स अल्टीमेटली रिमूव्स द ड्राइड स्किन एंड पल्प. नाउ दिस बीन्स आर पाउंडेड इन मोर्टर टू रिमूव द पार्चमेंट. जो बची हुई इसकी पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको रिमूव करने के लिए फिर मोटर में डाला जाता है. देन दीज आर स्टोर्ड एंड देन ग्रेडेड टू फॉर्म चेरी कॉफ़ी. सो दिस वॉज द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन कॉफ़ी. 2 methods वर देयर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स यूजेस. सो कॉफ़ी गिव्स अ रिफ्रेशमेंट, रिलैक्सेशन. वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं कॉफ़ी के, उन्हें फर्टिलाइजर्स या फिर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ इट इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल.
एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप करता है, इट कैन इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, इट कैन हेल्प बर्न फैट. कैफेलाइट इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड इन कॉफ़ी. दिस इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल विद गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पल्प एंड पार्चमेंट ऑफ कॉफ़ी. द वेस्ट प्रोडक्ट्स वी हैव सीन दे वर यूज्ड एज़ फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉफ़ी. होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. फॉर मोर वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.